हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर नंबर 14, चैप्टर्स नेम परेत इन द हाउस के इस लेसन का सभी एक्सरसाइज करवाएंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें चार विकल्प में एक को टिक करना है जो राइट हो। तो एक के लिए हम लोग सेकेंड को टिक करेंगे, बी के लिए हम लोग फोर्थ को टिक करेंगे और सी के लिए हम लोग फर्स्ट को टिक करेंगे। इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज कह रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेयर डिड द परेत लिव बिफोर मूविंग इन टू द ऑथर्स हाउस। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द परेत लिव्ड ऑन द ब्रांचेज ऑफ ए पीपल ट्री राइट आउटसाइड द नरेटर्स ग्रैंडफादर्स हाउस। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द मिस्चीवियस परेत पास इट्स टाइम व्हेन ही लिव्ड ऑन द ट्री। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे व्हेन ए तांगा वुड पास बाय द परेत वुड फ्राइटेन द पोनी PONY पोनी एज ए रिजल्ट द पोनी कार्ट वुड गो रेलिंग ऑफ द रोड। Occasionally, OCCASIONALLY Occasionally, the parade would get into the engine of a car or bus, which would soon afterwards have a breakdown. He also liked to knock KNOCK the topis 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 of OWF topis of the heads of sahibs SAHIBS sahibs। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन पीपल अवॉइडेड वॉकिंग अंडर ए पीपल ट्री एट नाइट। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे पीपल अवॉइडेड वॉकिंग अंडर ए पीपल ट्री एट नाइट बिकॉज दे बिलीव्ड दैट इफ यू योंड YAWNED योंड बीनीथ द ट्री देन द परेत वुड जंप डाउन योर थ्रोट THROAT थ्रोट एंड रुइन योर डाइजेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द परेत मूव इनटू द हाउस। इसका आंसर लिखेंगे द परेत मूव्ड इनटू द हाउस बिकॉज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कट डाउन द पीपल ट्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रैंक डिड द परेत प्ले ऑन ग्रैंड मदर्स। इसका आंसर होगा द परेत हिड HID हिड ग्रैंड मदर्स स्पेक्टिकल्स व्हेन एवर सी टूक देम ऑफ। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज अंकल केन ट्रबल्ड बाय द परेत। तो आंसर होगा एवरी टाइम अंकल केन वाज अबाउट टू फॉल एस्लीप द परेत वुड पुल the bed cloths of OWF off the bed as a result he could not sleep well। अगला क्वेश्चन है what kind of a person was aunt Minnie। तो आंसर लिखेंगे aunt Minnie was a nervous and an easily excitable person।
अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फैमिली थिंक सी हैड रेबीज? आंसर होगा इसका, आंट मिनी एंडेड अप ब्रशिंग हर टीथ विद इज सेविंग क्रीम व्हिच द प्रेत हैड सब्स्टिट्यूटेड विद हर टूथपेस्ट सी केम इन टू द लिविंग रूम फोमिंग एट द माउथ हैंस एवरी वन थॉट डैट सी हैड रेबीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पेकुलियर साउंड डिड दे हियर फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इट साउंडेड एज इफ समवन वाज चकलिंग सी एच यू सी के एल आई एन जी चकलिंग एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइजिंग डिस्कवरी डू दे मेक? इसका आंसर लिखेंगे, दे रियलाइज डैट द परेत हैड टैग्ड TAGGED टैग्ड अलोंग विद द फैमिली एंड वाज फीलिंग हैप्पी एट द थॉट ऑफ प्लेइंग फ्रेश प्रैंक्स ऑन देम इवन इन द न्यू हाउस। थैंक यू।